हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल शो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वेबिल को हम लोग टैली प्राइम से कैसे डायरेक्ट जनरेट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि वेबिल एक इलेक्ट्रॉनिक वेबिल है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट होता है, और ये तब जनरेट होता है जब किसी गुड्स का मूवमेंट होता है। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैं वाउचर में चल जाता हूँ, टैली प्राइम में जाकर वाउचर में चल जाता हूँ और एक सेल बिल बना लेता हूँ। मैंने जैसे शामसी प्लास्टोवेयर में एक बना लिया, तो शामसी प्लास्टोवेयर में मेरा पार्टी होगा, तो कोई आइटम दे दिया, क्वांटिटी दे दिया और रेट दे दिया। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइड वेबिल डिटेल्स, उसमें जाके मेरे को यस करना है। यस करने के बाद ऊपर डेट पूछ रहा है, डेट दे दीजिएगा। ये डेट का मतलब आप किस डेट पे वेबिल बना रहे हैं। मैं डेट दे दिया। डेट देने के बाद प्लेस पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली प्लेस तो होगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दे दिया। उसके बाद पूछा डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस इन किलोमीटर है, इसको एक्यूरेट में कैसे लाए, क्योंकि इसको एक्यूरेट से ही एक्यूरेट ही देना पड़ेगा, या फिर तो आप 10% ऊपर दे सकते हो या 10% नीचे दे सकते हो। तो अब इसको डिस्टेंस इन किलोमीटर लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टी का जो वेबिल, पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो हमको ई वे बिल के पोर्टल में पुट करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको ई वे बिल में जाना पड़ेगा। ई वे बिल में पोर्टल में आप लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद ई वे बिल न्यू में जाइएगा, जनरेट न्यू। जनरेट न्यू में जाके अभी देखिए लिखा हुआ बिल टू, बिल टू में जाके उस पार्टी का जीएसटी नंबर दे दीजिएगा। इससे उस पार्टी का जीएसटी नंबर है 09ACDPE। जीएसटी नंबर मारते देखिए वो कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया। अभी अभी क्या करेगा, ये पिन कोड टू पिन कोड ही डिस्टेंस ले लेगा। इसके बाद अभी पार्टी का नाम देने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ एचएसएन कोड, एचएसएन कोड में जाके कोई भी नंबर लिखिएगा। देखिए यहाँ लिखे राइट में आ गया है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट किलोमीटर कितना है, 1001। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1001 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा ट्रांसपोर्टर नेम, तो ट्रांसपोर्टर नेम मैंने दे दिया, जैसे मेरा होम ट्रांसपोर्टर बोल के है। अब यहाँ पूछ रहा मोड, तो मोड ऑब्वियसली रोड है मेरा। अब व्हीकल नंबर पूछा, तो कोई व्हीकल नंबर आप दे दीजिए, मैंने कोई व्हीकल नंबर दे दिया। अब यहाँ पे एक और डेट पूछ रहा है, यहाँ पे भी एक और डेट दे दीजिए कि आप ट्रांसपोर्टर से जो माल भेज रहे हो वो किस डेट पे भेज रहे हो। तो मैं ऑब्वियसली उसी दिन भेज रहा हूँ, उसको सेव कर लेते हैं। पूछ रहा डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई वे बिल, तो अगर आप भेजना चाहते हो डायरेक्ट तो यस कर लीजिए, अगर मान लीजिए कोई आपका गलती है तो आप नो कर लीजिए। तो मैं पहले नो कर लेता हूँ, लेकिन कोई गलती नहीं है बट मैं नो कर लेता हूँ। अच्छा अब वो बिल में फिर चले जाइए। अब यहाँ आप ऊपर में देखिए लिखा होगा एक्सचेंज, तो एक्सचेंज में जाके क्या करना, आपको अल्ट जेड कर देना, अल्ट जेड पूछा है, फिर आपको सेंड फॉर ई वे बिल, तो हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो दो मोड आते हैं, एक तो डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हो ई वे बिल के पोर्टल में, यहाँ पे ऑफलाइन एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट जनरेट बल्क कर सकते हो। तो मैं ऑफलाइन एक्सपोर्ट वाला करूँगा, आज ऑफलाइन एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यस। जैसे ही आप सेंड में प्रेस करोगे एक जेएसएन फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब वो जेएसएन फाइल को क्या करना है, ई वे बिल में जाके अपलोड करने कर देना है, तो अपने आप ही ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। ऐसे ये मेरा एक्सपोर्ट इन प्रोग्रेस है, ये मेरा जेएसएन फाइल एक जनरेट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ई वे बिल, यहाँ पे जीएसटी नंबर भी आ गया है, और ये देखिए जेएसएन फाइल अपलोड हो गया है आज के डेट पे ही 26/12 पे। तो हम लोग क्या करना है, अब ई वे बिल के पोर्टल में चल जाना है। ई वे बिल के पोर्टल में जाके यहाँ पे देखिए जब भी आप जनरेट ई वे बिल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा जनरेट बल्क, तो जनरेट बल्क पे क्लिक कर देना है। जनरेट बल्क पे क्लिक करने के बाद ब्राउज कर लेना, ब्राउज मतलब वो जो फाइल है वो कहाँ पे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं फाइल कहाँ पे। ये फाइल प्रोग्राम फाइल से जाकर टेली प्राइम के अंदर है, तो हम लोग इसको ब्राउज कर लेते हैं, ब्राउज करके अपलोड कर देते हैं। इसे अपलोड करिएगा, यहाँ पे देखिए ओके पूछ रहा है, ओके कर दीजिए। जैसे ही आप करिए देखिए यहाँ पे आपका वेबिल जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही आप जनरेट में क्लिक कीजिएगा वो जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ भी वेबिल का नंबर भी आ चुका है, मैं ये वेबिल का नंबर कॉपी कर लेता हूँ। वेबिल का नंबर कॉपी करने के बाद अब देख लेते हैं ये वेबिल कैसा जनरेट हुआ है, क्यों जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए,
अब देखिए यहाँ पे आया है ई वे बिल। ई वे बिल में जाके आपको करना, अब हमको कैसे देखना है ये बिल है वो सही जनरेट हुआ है या नहीं, उसी पार्टी पे जनरेट हुआ है कि नहीं, उसी अमाउंट पे जनरेट हुआ है कि नहीं, आए देख लेते। तो वे बिल में क्लिक कीजिएगा, फिर नीचे देखिए आया है प्रिंट ई वे बिल। तो आपको याद होगा हमने वो जो वे बिल का नंबर था वो हम लोगों ने कॉपी किया हुआ था। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने का जैसे ही ग्रो करेंगे देखिए वे बिल का पूरा डिटेल आ गया। अभी देखिए मेरे से बाहर निकल जाता है, जैसे ये वेबिल का देखिए टोटल अमाउंट है 5,04,000 रुपये। तो देखिए ये 5,04,000 रुपये ही आया मेरा। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर है, देखिए ये डॉक्यूमेंट नंबर NP4/18-19, देखिए हमारा NP4/18-19 ही आया है। तो ऐसे करके हम लोग टैली प्राइम से डायरेक्ट वेबिल को जनरेट कर सकते हैं, और ये हमारे ऊपर में देखिए ई वेबिल नंबर है। तो ऐसे करके हम लोग वेबिल को अपने टैली प्राइम से इजिली जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।